केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 24 अगस्त को एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी। इस नई व्यवस्था को अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। केंद्र के द्वारा ये कदम सरकारी कर्मचारियों की नई पेंशन योजना में सुधार की लंबे समय से लंबित मांग के बाद उठाया गया है। कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकारी कर्मचारियों की ओर से एनपीएस में सुधार की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में उस समय के वित्त सचिव टीवी सोमनाथम के नेतृत्व में इस पर एक समिति बनाई थी। व्यापक परामर्श और चर्चा के बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। ये है यूपीएस के 5 पिलर। सुनिश्चित पेंशन। यूपीएस के तहत कम से कम 25 साल नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन दिया जाएगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। इसमें पारिवारिक पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। कर्मचारी के मूल वेतन का 60% उसके बाद उसके परिवार को दिया जाएगा। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में इसे तुरंत दिया जाएगा। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट के मामले में यूपीएस में 10,000 रूपए प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है। महंगाई का भी ध्यान। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के अलावा इस नई व्यवस्था में महंगाई भत्ते का भी ध्यान रखा गया है। ग्रेच्युटी। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। इसकी गणना रिटायरमेंट की तिथि पर प्रत्येक पूर्ण 6 महीने की सेवा के लिए मासिक पारिश्रमिक का 10वां हिस्सा होगा। इस भुगतान में पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में बने रहने या एकीकृत पेंशन योजना में शामिल होने का फैसला करने का अधिकार होगा। ये उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही रिटायर हो चुके हैं। हालांकि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस के तहत इसकी शुरुआत के समय से रिटायर होने वाले सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी 5 लाभों के पात्र होंगे। एनपीएस क्या है? जनवरी 2004 में शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना मूल रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट योजना है। बाद में 2009 में इसे अन्य सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विस्तृत किया गया। एनपीएस पर्याप्त निवेश लाभ की क्षमता के साथ पेंशन का आश्वासन देता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अपने संचित कोष का एक हिस्सा निकालने का विकल्प होता है, जबकि शेष राशि आय के रूप में वितरित की जाती है। एनपीएस को 2 स्तरों में विभाजित किया जाता है, टियर 1 खाते और टियर 2 खाते। जो व्यक्ति टियर 1 खाता चुनते हैं उन वे सेवानिवृत्ति के बाद नकद निकाल सकते हैं। टियर 2 वाले खाते जल्दी निकासी की अनुमति देते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD के तहत एनपीएस में निवेश करने पर 1.5 लाख रुपए का कर लाभ मिलता है। एनपीएस कोष का 60% निकालने पर ये कर मुक्त हो जाता है। एनपीएस पुरानी पेंशन योजना से अलग कैसे है? इसके बारे में रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एनपीएस ने पुरानी पेंशन योजना की जगह ली थी। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए गए अंतिम वेतन पर आधारित थी। ओपीएस के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में अंतिम आहरित वेतन का 50% निकाल सकता है। एनपीएस के तहत किसी व्यक्ति को रिटायरमेंट के समय तक योगदान किए गए संचित कोष का 60% निकालने की अनुमति है। ये कर मुक्त राशि है। शेष 40% राशि पेंशन में परिवर्तित की जाती है।